time to tag you. I'm going to tag you. I'm going to tag you. It's time to tag you. Another episode of Tag Time. Hi viewers, time to tag you. Another episode of Tag Time. हमेशा की तरह कुछ चीज़ें कम्युनिटी से. हमारी कम्युनिटी बहुत ही ज़्यादा रंगीन और ख़ूबसूरत. इसके साथ मनाई हुई शामें और इसके साथ किए हुए म्यूज़िक के शोज़ अब फिर से एक दफ़ा बहुत मशहूर हैं. आज हम जिस शो के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है ट्रिब्यूट टू पाकिस्तानी लेजेंड्स 2016. आज देखते हैं मेरे साथ उसके मुंतज़मीन तशरीफ़ फरमा हैं, वो क्या कहते हैं कि वो इसके बारे में क्या राय रखते हैं और इसके लिए नाज़रीन को क्या सोचना चाहिए, क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए. सबसे पहले तो सुहेल सिद्दीकी साहब, वेलकम टू माय शो. उनके साथ तशरीफ़ फरमा है रूही साहिबा, आपको भी बहुत वेलकम. और उसके साथ हमारे बहुत ही मशहूर सलाउद्दीन साहब तशरीफ़ फरमा है. आप सबको मेरे प्रोग्राम में आने का खुश आमदीद. सुहेल साहब, सबसे पहले तो आप नाज़रीन को बताइए कि वो इस शो के मुतल्लिक अपनी किस किस्म की तैयारियां रखें. सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा टैग टीवी का, जो कि हमेशा जो भी जीटीए में प्रोग्राम्स होते रहते हैं, ना सिर्फ जीटीए में बल्कि पूरे कैनेडा में, उनकी हौसला अफजाई करते हैं और हमेशा आप लोगों ने हमें प्रमोट किया है. तो मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया आपको. जैसा कि आपको लोगों को इल्म है कि हमने लास्ट ईयर से ये ट्रिब्यूट शुरू किया है 2015 से, और बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम हुआ. वो हमने पहला प्रोग्राम मिल्टन में किया था, मिल्टन टोरंटो में, और उसमें लोगों ने उसको बहुत पसंद किया. हमारा मकसद ट्रिब्यूट देने का ये होता है कि वो फ़नकार जो इस दुनिया में नहीं हैं और जो हैं उनकी हौसला अफजाई की जाए. और ऐसी बात है, उन्होंने इतनी खिदमात दी हैं हमारे मुल्क के लिए, इतना नाम रोशन किया है, तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम उनको कुछ दें. तो इसी सिलसिले में हमने 25 नवंबर को एक प्रोग्राम ट्रिब्यूट टू पाकिस्तानी लेजेंड्स लेके आ रहे हैं, और उसमें जीटीए के बहुत ही अच्छे फनकार जो है वो हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें जिब्रान हाशमी जो हैं उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं प्रोग्राम को. जितना भी हमारा म्यूज़िकल सेक्शन है जिब्रान हाशमी कर रहे हैं. सीमा नकवी मास्टर ऑफ सेरेमनी है उसकी, और फनकारों में हमारी जो है सीमा अपना रूही साहिबा हैं, सलाउद्दीन साहब हैं, सालिहा आज़म हैं, ये उसमें हिस्सा ले रहे हैं. तो इंशाल्लाह ताला पूरी उम्मीद है लोग बहुत पसंद करेंगे, ख़ासकर उन फनकारों को जैसे अहमद रुश्दी हुए, अख़लाक अहमद हुए, महनाज जी हुईं, ये लोग इस दुनिया से चले गए हैं, उनको हम खराज तहसीन पेश करेंगे, उनको ट्रिब्यूट देंगे. और जो इस वक्त मौजूदा हैं जैसे आलमगीर हैं, उनके गाने और जो है रोना लैला हैं जो हयात हैं अभी, नाहिद अख्तर हैं, तो एक खूबसूरत प्रोग्राम होने जा रहा है, खूबसूरत शाम होगी. उम्मीद करता हूँ कि सब लोग उसमें तशरीफ़ लाएँ. रूही समीना, आप लिखती भी हैं, लिखने पढ़ने से भी आपका शगफ़ है जी. और उसके साथ साथ म्यूज़िक में भी आप चमकता हुआ सितारा हैं हमारी कम्यूनिटी का. तो इस शो के हवाले से बात कर लेते हैं, आप क्या लेके आने जा रही हैं ख़ास चीज़ हमारे नाज़रीन के लिए? इस शो की जो सबसे बड़ी बात है वो यही है कि एक बिल्कुल प्योरली पाकिस्तानी म्यूज़िक का प्रोग्राम, मेरा नहीं ख्याल कि इससे पहले कभी नहीं हुआ या अब तक हुआ है या होता है. एक दो तीन चार शायद पाकिस्तानी गाने किसी शो में गाए जाएं तो गाए जाएं. तो इस प्रोग्राम में तकरीबन सारे जितने फ़नकार हैं पाकिस्तान के, पुराने नए, सब के गाने शामिल किए जा रहे हैं. और इसमें इतने बहुत सारे ऐसे गाने हैं जिनके ट्रैक्स जब मैंने पहली दफ़ा सुने, ढूंढने की कोशिश की, तो मुझे ख़ुद वो याद आए कि ये कितने खूबसूरत नगमे हैं जो खो चुके हैं, जो हमने अरसे से नहीं सुने. तो यकीनन लोगों को बहुत अच्छी एक शाम मिलने वाली है म्यूज़िक के हिसाब से, और ख़ास तौर पे मेरे जैसे लोग जिन्हें पाकिस्तानी म्यूज़िक जिनको अपील करता है या जिससे अटैचमेंट है उनकी, तो यकीनन. तो अब हम सलाउद्दीन साहब आपकी तरफ आते हैं. आपने पिछली दफ़ा मेहदी हसन साहब को ट्रिब्यूट पेश किया था, बहुत खूबसूरत आवाज़ आपकी, अच्छा भी लगा. तो इस साल नाज़रीन क्या आपसे उम्मीदें वाबस्ता रखें कि वो क्या ऐसा देखने जा रहे हैं जो ख़ास आपके साथ मुंसलिक हो?
सबसे पहले तो हलीमा साहब आपका और असलम गोरा साहब का टैग टीवी का बहुत बहुत मशहूर हूँ, और उसके बाद सुहेल अहमद सिद्दीकी साहब का जिन्होंने ये इंतज़ाम किया कि हम लोग यहाँ आज आपके सामने हाजिर हैं। हम सब की पूरी कोशिश, हमारा टीम वर्क है और सुहेल सिद्दीकी साहब हमारे जो है ग्रुप लीडर हैं, तो कोशिश होगी कि हम बेहतरीन तरीके से इसको ऑर्गेनाइज, जो भी हमारे अपने 8 आवर बेस्ट मतलब उसको हम पेश करें लोगों के सामने, और लोगों की जो एक्सपेक्टेशन पहले थी, कोशिश होगी कि उससे ज़्यादा उनको हम कुछ डिलीवर कर सकें। तो ये जो आपने फरमाया कि मेडिसन को, ज़ाहिर है वो मेरे बहुत मोस्ट फेवरेट वो ज़रूर है, लेकिन ज़ाहिर है कि इस वक्त एक अलग से एक आइडिया है कि सारे और जो लेजेंड्स हैं जो चले गए और जो अभी मौजूद हैं उनको हमें ट्रिब्यूट करना चाहिए, और लोग भी एक्सपेक्ट करते हैं, और जब हम उन्हें कुछ देंगे कुछ नया, तो ये फ़नकारों की काम है इस तरह का कि इस तरह की अगर चीज़ें दें तो लोगों की फिर उनको आगे भी कुछ होप होती है और प्रोग्राम की कामयाबी भी। ये अछूता इस जो हमारा आइडिया है हमारे सुहेलम सिद्दीकी साहब का और जिब्रान हाशमी साहब का कि इसको इस दफ़ा नया करके किया जाए, और हमें उम्मीद है कि ये शो इस दफ़ा बहुत कामयाब होगा। और मेरी भी कंट्रीब्यूशन उसमें इसी तरह है कि जितने भी मुख्तलिफ सिंगर हैं जैसे मसूद राना है, अहमद रुजदी साहब हैं और मेडिसन के अलावा और बहुत सारे सिंगर, तो मैं कुछ अपना हिस्सा उसमें ज़रूर शामिल करूँगा, कोशिश है कि वो कामयाब। जिंदा कौम में अपने अपने एसेट्स को, अपने तमाम तर वो फनकार जो उनके कल्चर का हिस्सा होते हैं उनको याद रखती हैं और उनको हमेशा ट्रिब्यूट देते हैं। और वैसे भी आजकल तो रिवाइवल आप देख लीजिए, कंस्ट्रक्शन से लेके हर चीज़ में रिवाइवल का है। तो सुहेल साहब, यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि आपको ये ख्याल किस बात ने दिलाया, क्योंकि फ़न के बहुत सारे एरियाज में काम हो रहा है, लोग जिद्दत चाहते हैं, बहुत ज़्यादा जिद्दत की तरफ ख्वाहिश होती है, तो आपको ये कैसे ख्याल है कि नहीं हम उन चीज़ों को वापस लेकर आएं जो इतनी खूबसूरत थी, किस चीज़ ने आपके दिमाग में ये बात डाली? देखिए, ये सिलसिला तो पिछले दौर से चल रहा था, लेकिन बीच में एक गैप आया है कि नया म्यूज़िक आ गया है, मॉडर्न आ गया, नो डाउट, मैं उसको बुरा नहीं कह रहा, लेकिन जो हमारा म्यूज़िक पहले रहा है शुरू में जब पाकिस्तान बना है, या उसके बाद जो फिल्में बनी हैं, जो उसके बाद जो फनकार आए हैं, उसकी कमी महसूस होने लगी थी कि उसको दोबारा लाया जाए, और उन लोगों को जिन्होंने इतने खूबसूरत गाने गाए और उन फिल्मों में नाम पैदा किया, उनको उजागर किया जाए। और एक हमारा फ़र्ज़ भी बनता है कि जिन लोगों ने हमारे मुल्क के लिए गाया, चाहे वो कौमी नगमे हों चाहे फिल्मी नगमे हों, उनको उनको कम से कम हम ट्रिब्यूट दें, और एक महसूस हो कि हाँ भाई, जिंदा कौमें जो है ना उन लोगों को भी याद रखती हैं जो हमसे बिछड़ गए हैं, या जिनका अब वो नाम नहीं है जो पहले उनका नाम था, अपना अपना हिस्सा डाल के अपना अपना हिस्सा डाल के। तो रूही समीना, यूजुअली जब लोग काम करते हैं तो वो किसी ना किसी से इंस्पिरेशन होती है, और वो चाहते हैं कि ये आर्टिस्ट जिस मुकाम तक पहुँचा है, मेरा ये टारगेट है, ये मेरा गोल है, तो आपकी इंस्पिरेशन और आपके ख्याल में कौन ऐसा आर्टिस्ट था? मेरा कोई एक जिसको कहते हैं आइडल तो नहीं है, वो इतने बड़े नाम हैं कि उन तक पहुंचना या उनके काम तक पहुंचना तो ज़ाहिर है कि ना हम इतनी मेहनत कर सकते हैं, ना हमारे पास इतना टाइम है, उन्होंने तो अपनी ज़िंदगियां दी हैं इस फ़न के लिए। मुझे सब पसंद है, मैडम नूरजहां, मलिका तरन नूरजहां का तो खैर बहुत बड़ा नाम है, लेकिन जो और सारे फ़नकार हैं उनके कुछ इतने खूबसूरत नगमे हैं। और आपने अभी सवाल किया कि यह आइडिया कैसे आया, तो मुझे ख़ुद महसूस होता है कि जब कोई पाकिस्तानी नगमा गाया जाता है किसी भी शो में, लोग उसको इतना पसंद करते हैं और सुनना चाहते हैं पाकिस्तानी गाने, जो बदकिस्मती से बहुत ज़्यादा शामिल नहीं किए जाते, तो मुझे पाकिस्तानी म्यूज़िक बहुत पसंद है, सारे जितने, ना सिर्फ फिल्मी गाने बल्कि जो गज़लें हैं हमारी, जो हमारे दूसरे फ़नकार हैं, लोक फ़नकार हैं, वो सारा म्यूज़िक बहुत खूबसूरत है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि उन तक ना सही तो कहीं किसी जगह टच कर उनको कर सकूँ तो बड़ी बात है, लेकिन मैं किसी से इंस्पायर्ड नहीं हूँ, ना मैं किसी की तरह गाना चाहती हूँ कि उस तरह आवाज़ बना के, जो है वो है, लेकिन ये कि उनके गाने यकीनन कॉपी किए जा सकते हैं। ह्यू जो होती है उसके 7 रंग होते हैं, बिल्कुल 7 रंग की वो होती है, इसी तरह म्यूज़िक के डिफरेंट डायमेंशंस हैं, डिफरेंट रंग हैं, तो जो जिस इलाके का रंग है, पाकिस्तान के म्यूज़िक का एक अपना रंग बिल्कुल, है, और वो रंग
بدلنے سے یا کرنے سے نہیں بلکہ وہ اس کو ایکسیپٹ کر کے بالکل اس کے ساتھ جڑنے سے اس کی خوبصورتی ہے، بالکل کیونکہ وہ ایک حصہ ہے، تاریخ کا حصہ ہے جو ہمیشہ رہے گا جیسے بھی ہے، وہ ایک کنٹریبیوشن ہے میوزک کی ہسٹری میں۔ تو آپ کی طرف آتے ہیں صلاح الدین صاحب، آپ بتائیے کہ آپ کو کس چیز نے میوزک کی دنیا میں آنے کے لیے انسپریشن دی، اور کس چیز کو آپ نے اپنے لیے راستے کا روشن باب بنایا؟ وہ تو جیسے آپ کو پتا کہ بچپن سے کچھ لوگوں کو کچھ کوئی چیز کی رغبت ہوتی ہے، مطلب میں جب اسکول لائف میں ہی تھا، اس کے بعد پھر کالج جاتے جاتے تو وہ ٹائم تھا، فلمی دور آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ فعال تھا، ایکٹیو تھا، تو اسی وقت بہت سارے سنگر تھے جن میں ہمارے آج کل کے، آج بھی جس کو ہم اس پروگرام میں جن کو ہم ٹریبیوٹ کریں گے، احمد وجدی صاحب بھی، مسعود رانا صاحب بھی، اور مجیب عالم مصرا کے، مگر وہ کچھ بائی نیچر بھی شاید ہوتا ہے، میرا رغبت زیادہ جو ہے خان صاحب مجید حسن صاحب کی طرف چلی گئی، ان کی چیزیں بھی تھیں اور سب بڑا پرجوش ماحول تھا، ہر طرف ریڈیو پہ لوگ سن رہے ہوتے تھے، تو اس طرح کے اس مزاج کے سارے گانے جو اور سنگرس نے جیسے احمد وجدی صاحب ہیں، مسعود رانا صاحب ہیں، مجیب عالم ہیں، عالمگیر ہیں، اور اخلاق احمد، اس سب کے ان کے بھی میں گاتا رہا ہوں اور گاتا ہوں ابھی بھی، لیکن زیادہ جو آپ نے پوچھا تو زیادہ میری انسپریشن ان کے ساتھ ہے، کوشش کرتا ہوں، حالانکہ ان تک تو ان کے گھر تک نہیں پہنچ سکتا کوئی بھی، لاکھوں ان کے فین ہوں گے دنیا میں، پتہ بھی نہیں کتنے ہوں گے، لیکن اس میں سے ایک ادنا سا میں بھی ہوں، کوشش کر لیتا ہوں، شاید کچھ پسند آتا ہو لوگوں کو، مجھے اندازہ نہیں ہے اتنا۔ ناظرین، سہیل احمد صدیقی صاحب ایک دفعہ پھر پلیز آپ کو بتانا چاہیں گے کہ کس دن یہ شو ہو رہا ہے، اور کس سے رابطہ کرنا چاہیے اس کی ٹکٹس کے لیے، اور منتظمین کون کون ہیں؟ جی بالکل، یہ پروگرام بیسٹ انٹرٹینمنٹ اور این جے مارکیٹنگ کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے، جو کہ 25 نومبر 2016 فرائیڈے ملن بینکٹ ہال 1989 ڈنڈاس اسٹریٹ پر ہونے جا رہا ہے۔ اس پروگرام کے ٹکٹس کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں 416-786-1127 416-786-1127۔ ہمارے پروگرام کا ٹائم 7 بجے ہے، کوشش کریں آپ لوگ وقت پر آئیں تاکہ اس پروگرام کو وقت پر شروع کیا جائے اور لوگ زیادہ سے زیادہ اس پروگرام سے محظوظ ہوں۔ ٹکٹس کے لیے رابطہ کس سے، کوئی نمبر ہو ایسا؟ جی، 416-786-1127 یہ میرا اپنا نمبر ہے، اس پہ آپ کال کر سکتے ہیں، پرل بینکٹ ہال سے یہ ٹکٹ لیے جا سکتے ہیں، جو کہ 1638 ایم کو بلوورڈ، مسز ساگر۔ بہت شکریہ۔ اب ہم روحی آپ کی طرف آتے ہیں، اتنی خوبصورت آواز اتنے عرصے سے آپ گا رہی ہیں، شاعری بھی کرتی ہیں اپنی، کوئی ایسی چیز ہمیں خوبصورت سی سنائیے جو آپ کا دل چاہ رہا ہو ہمارے ساتھ شیئر کرنے کا۔ ضرور سناؤں گی، لیکن ایک تصحیح کر دوں، میں شاعری نہیں کرتی، میں نثر نگار افسانے لکھتی جی افسانے تو میں ابھی سیما نے بہت اچھا میڈم نور جہاں کا، تو چلے میڈم نور جہاں کا ہی ایک مجھے بہت پسند ہے ذاتی طور پہ، لٹون جی۔ پہلے ہم کو چھیڑ رہی تھی ظلمی ہوا مستانی، پہلے ہم کو چھیڑ رہی تھی ظلمی ہوا مستانی، من کی بتیاں لکھنے بیٹھی، من کی بتیاں لکھنے بیٹھی، جل گئی یہ دیوانی، بیرن لٹ گیا توڑ سکے گی تیرا میرا ساتھ رے، لٹ الجھی سلجھا جاری بالم، میں نہ لگاؤں گی ہاتھ رے، لٹ الجھی سلجھا جاری بالم۔ واہ، بہت خوب، بہت خوبصورت جی۔ صلاح الدین صاحب، اب آپ کی باری ہے، اب آپ ہمیں کچھ محظوظ کیجئے اپنے خوبصورت گانوں سے۔ میں کوشش کرتا ہوں ایک لائن آپ کو، جیسا کہ آپ نے پہلے پوچھا تھا انسپائریشن، تو جو مہدی حسن صاحب کی ایک گانا ہے جو ہم اس میں شامل بھی کر رہے ہیں اس پروگرام میں، اس کی ایک لائن آپ کو۔ میں جس دن بھلا دوں
तेरा प्यार दिल से वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का, मैं जिस दिन भुला दूँ तेरा प्यार दिल से वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। ये आंखें उसी रात हो जाएं अंधी जो तेरे सिवा देखे सपना किसी का। मैं जिस दिन भुला दूँ तेरा प्यार दिल से वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। बहुत खूब, बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक शुक्रिया आपका, आपने यू, हमारे साथ ये शेयर बहुत किया, शुक्रिया, बहुत सुहेल साहब। अब हम आपकी टीम के बाकी मेंबर्स से मिलेंगे। नाज़रीन जाएंगे एक ब्रेक के लिए और उस ब्रेक के बाद हम आपके पास इस प्रोग्राम के, जिसका नाम है ट्रिब्यूट टू पाकिस्तानी लेजेंड 2016, जो होने जा रहा है आपके शहर टोरंटो में, उसके बाकी के शुरका को हम आपके पास लेकर के आएंगे। तो चलते हैं एक ब्रेक पे। Time to tag you. I'm going to tag you. I'm going to tag you. It's time to tag you. Another episode of Tag Time. Multivitamins are a very important factor in maintaining good health both in men and women. Greenish Natural Health offers a balanced formulation fulfilling all of the daily requirements for essential nutrients like vitamins and minerals. If you are a healthy man or a woman, this is a time to make Greenish multivitamins a part of your daily routine to stay healthy. Greenish multivitamin and supplements are certified vegetarian, halal, and kosher. They are also gluten-free, dairy-free, soy-free, and non-GMO. Ask for Greenish products at your nearest pharmacy. Time to tag you. I'm going to tag you. I'm going to tag you. It's time to tag you. Another episode of Tag Time. Welcome back, नाज़रीन। अब मैं आपके लिए तीन नए शुरका इस प्रोग्राम के लेकर आई हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं सालिहा अजीम साहिबा, उनके साथ हैं जिब्रान हाशमी और उनके साथ सीमा नकवी साहिबा। वेलकम टू माई शो। थैंक यू। आप सब इस प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं, कुछ ना कुछ रोल्स हैं, तो सबसे पहले हम सालिहा से बात करेंगे। सालिहा, आप बताइए कि आपका क्या रोल है और आप उसके लिए कैसा महसूस करती हैं, नाज़रीन को क्या होप्स रखनी चाहिए? थैंक यू वेरी मच फॉर एवरी सिंगल थिंग, स्पेशली सोहेल साहब का, जिब्रान, जिब्रान किस सर से रहा है मुझे इंट्रोड्यूस कराने का। जी टी में मेरा पहला प्रोग्राम है, तो आई वॉज सिंगिंग बैक होम, पहले करती थी, तो ये मेरा पहला प्रोग्राम है। आई होप अच्छा जाएगा। पाकिस्तानी सिंगर को ट्रिब्यूट्स दे रहे हैं, तो क्योंकि आपका क्वेश्चन बहुत, आपने उन लोगों से भी किया था कि क्या चीज़ है ऐसी जो यू नो करना चाहिए, तो हमारी कम्युनिटी में बहुत सारे प्रोग्राम हो रहे हैं, स्पेशली हम कनाडा में रहते हैं, राइट? तो इंट्रोड्यूस कराना बहुत ज़रूरी है पाकिस्तानी म्यूज़िक। और मैंने ख़ुद बहुत सारे गाने पहली बार सुने, तो जब सुने तो सच में लगा कि हाँ, इन इतने खूबसूरत हैं, इनको गाना चाहिए। तो अच्छी होप है, अच्छा रहेगा। जिब्रान, आप बहुत अरसे से कम्युनिटी के साथ मुंसलिक हैं म्यूज़िक और सिंगिंग में, तो इस शो के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नाज़रीन क्या उम्मीद लेकर के आपको देखने के लिए आए? थैंक यू वेरी मच। पहले तो बहुत शुक्रिया टैग टीवी के आप लोगों का। यही एक ऐसी जगह है जहाँ हम सही तरीके से मैसेज पहुँचा सकते हैं, मैं समझता हूँ। मीडिया इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आइडिया बहुत, कोशिश यही होती है बेसिकली, सोहेल सैयद साहब के साथ काफ़ी सालों से मैं कर रहा हूँ, और हमारा हमेशा कोशिश होती है कि कोई यूनिक चीज़ लेकर आई जाए। और मेरे ख्याल है ये यूनिक आइडिया इसलिए है कि पहले भी ट्रिब्यूट किया था हमने मेहंदी हसन मैडम रोजा, पाकिस्तानी लेजेंड्स का अभी तक जितना मैं जानता हूँ, मुझे ऑलमोस्ट 12 ईयर्स हो गए इस फील्ड में, इस आइडिया पे अभी तक प्रोग्राम नहीं हुआ।
और मैं समझता हूँ ये हमारा इस मुकाम पर आते हुए, क्योंकि लोग जानते हैं मैं काफ़ी सालों से फील्ड में हूँ, ऑर्गेनाइज भी करूँगा अभी, ये हमारा फ़र्ज़ भी है कि हम अपने लोगों को प्रमोट करें, हमारे अपने म्यूज़िक को प्रमोट करें और लोगों को बताएं कि वो भी किसी और म्यूज़िक से कम नहीं, हमारी शायरी, हमारी मेलोडी और सिंगर्स जो कि बड़े बड़े नाम, तो कुछ को हम ट्रिब्यूट कर रहे हैं और समझे हम याद कर रहे हैं उनको। गाना तो हमारे बस में नहीं है इतने बड़े बड़े नामों को, महेंद्र सिंह खान साहब बहुत बड़ा नाम, लेकिन उनको जो लोग इस दुनिया में नहीं रहे, हमारे साथ नहीं है, जो हैं उनको हम ट्रिब्यूट कर रहे हैं उनको एक तरीके से, और हमारे ये जितने भी आर्टिस्ट हैं ये एक टीम, हम सब मिलकर उसको कोशिश कर रहे हैं कि उस चीज़ को कुछ डिफरेंट चीज़ दी जाए। सीमा, आप बहुत अच्छी शायरा हैं, कम्यूनिटी इस हवाले से आपको जानती है और उसके साथ साथ अब आप इस प्रोग्राम को होस्ट करने जा रही हैं, ये आपका पहला एक्सपीरियंस है शायद इस तरह, इस नौयत के प्रोग्राम को होस्ट करने का? जी हाँ, मैंने इससे पहले कुछ मुशायरों की निज़ामत की है और जब मुझे जिब्रान ने अप्रोच किया और जिब्रान ने मुझसे कहा कि मैं चाहता हूँ कि आप इस शो को होस्ट करें, तो मुझे बड़ी खुशी हुई क्योंकि इस शो का जो कॉन्सेप्ट है, अपनी लेजेंड्स को हम जो खराज तहसीन पेश करने जा रहे हैं, मुझे लगता है कि इट्स अबाउट टाइम कि हम टोरंटो शहर में या दुनिया के किसी भी खत्ते में, क्योंकि हर कौम अपने लेजेंड्स को जो है मुख्तलिफ़ तरीक़ों से खराज तहसीन पेश करती है और हमारा भी फ़र्ज़ बनता है, और जिस दौर के सिंगर्स और मौसीकी को हम खराज तहसीन पेश कर रहे हैं वो मेरे लिहाज से हमारा सुनहरी दौर था, पाकिस्तान की म्यूज़िक, पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री, मौसीकी, और उसमें सबसे बड़ी बात क्योंकि मैं ज़ाहिर है आपको मालूम है शायरी से भी मेरा शगफ़ है, मैं लिखती हूँ, तो मुझे लगता है कि उस ज़माने के उन गानों की जो मौसीकियत थी उसमें एक शायरी, उसकी शायरी जो थी, अब वो लिरिक्स हमें नहीं मिलते और वो मौसीकी हमें अब नहीं मिलती, तो बहुत बहुत खुशी हुई और मैंने इसीलिए मैं इस शो से जुड़ी हूँ और उम्मीद करते हैं कि इतने खूबसूरत सिंगर्स हैं जिब्रान और माशाल्लाह सालिहा और समीना और ये हमारे साउदीन साहब, तो इन सब के, और आप यकीन करें ये लोग तो बहुत कसर नफसी से काम ले रहे हैं कि नहीं है, लेकिन मुझे उम्मीद है और मुझे यकीन है कि जब ये शो होगा तो हम लोग जो हैं उन लोगों की को याद करेंगे उसी तरीके से जिस तरह से उन लोगों ने वो गाने गाए थे, तो बहुत सारी अच्छी उम्मीदें हैं और ऑडियंस से भी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, गुजारिश करती हूँ सामईन से कि आप सब आइए और अपने इतने अच्छे, इतने उम्दा लेजेंड्स को ट्रिब्यूट देने के लिए हमारा साथ दीजिए। सालिहा, जब आपने अपनी मौसीकी का सफ़र शुरू किया, तो वही सवाल आपसे भी करने जा रही हूँ, तो जहन में क्या था, कहाँ पहुँचना है, किसको पाना है, किस हद तक जाना है, क्या इरादे थे, क्या ख्वाहिश थी और किस हद तक आप कामयाब हुई उसमें जो आप चाहती थी? बहुत ट्रेंडी सा जवाब है अगर दूं कि मुझे बचपन से शौक था, समथिंग लाइक दैट, तो गांव में बचपन से रही हूँ, मैंने कभी नहीं सोचा फ्यूचर में मुझे क्या करना है या मुझे इसको अपना फील बनाना है, मैं आज पे बिलीव करती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है मेरे पास अपॉर्चुनिटी, आई शुड ग्रैब इट और उसको बेहतर होना चाहिए, तो मैं गा बहुत बचपन से रही हूँ, लाइक 3-4 साल की थी तब से गा रही हूँ, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, पाकिस्तान में मीडिया पर भी गाया, अब यहाँ पर तो अच्छा होगा, आई नो। तो जिब्रान साहब, आपको कितने अरसे से, आपने कैसे शुरू किया और फिर आगे चल के आपकी क्या ख्वाहिशात हैं और किस हद तक आप अपने आप को समझते हैं कि आपने वो चीज़ें अचीव कर ली जिनके लिए आपने सफ़र का आगाज़ किया था? अचीव तो अभी कुछ भी नहीं किया, बहुत मंजिल बहुत दूर है और जैसे कि सबको बचपन से शौक होता है, मुझे बचपन से था और स्कूल के ज़माने से, लेकिन हाँ ये एक चीज़ का मैं यहाँ ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा कि पाकिस्तान में मैं रहा, मैं बेसिकली मेरा बैकग्राउंड है, मैं इंजीनियर हूँ, मैकेनिकल इंजीनियर, वहाँ से पढ़ने के बाद मैं इधर आया, तो कनाडा इज़ अ रियली रियली ब्यूटीफुल कंट्री, सिर्फ वो ब्यूटी नहीं है कि यहाँ खूबसूरत है, सब कुछ है, लेकिन यहाँ आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल जाती हैं, यह मैंने देखा, पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, बहुत टैलेंट है, बहुत लोग करना चाहते नहीं नहीं कर पाते, यहाँ हम कर पाए और आज यहाँ बैठे हैं, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी बात है कि आज मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं कभी इस अपने आप को काबिल नहीं समझता था, सबकी मेहरबानी, सुहेल सिद्दीकी साहब, बहुत पुराना 7-10 साल से हम लोग साथ हैं, सुहेल सिद्दीकी साहब जैसे लोग, आप लोग और ये इतना स्ट्रांग मीडिया जो कि 24 आवर्स इस वक्त ऑल ओवर द वर्ल्ड देखा जा रहा है,
तो यही चीज़ें हमें प्रमोट करती हैं और लेकर जाती हैं। यही गोल था और आगे और भी जाना है, और कोशिश होती है हमेशा आइडियाज़ डिफरेंट रहें और कुछ ना कुछ दूर से अलग हो, तो ये ज़रूर चलता रहे और होता रहे। तो सीमा, आपकी तरफ आते हैं, अब आप बताइए कि आपकी क्या ख्वाहिशात हैं, क्या गोल्स हैं, किस हद तक कामयाबियाँ हैं और कहाँ चलना चाहती हैं? देखिए, ख्वाहिशात तो सबकी यही होती हैं कि और आगे जाना है, जितना काम, असल में काम करना है, और बेसिकली यही हमारा मकसद होना चाहिए कि अपने अपने जो भी शोभा है उसमें आप काम करें मेहनत से, लगन से, और फिर जहाँ तक जाहिर है कि फिर उसके बाद वो जहाँ ले जाए। तो मेरी भी यही ख्वाहिश है। मैं बेसिकली, जैसे कि आपने पहले ही बता दिया कि मैं शायरा हूँ, तो मेरी मेरी ख्वाहिश है कि मेरी किताब, मैं अपनी किताब पे काम कर रही हूँ, तो उम्मीद करती हूँ कि वो जल्द से जल्द मेरा काम मुकम्मल हो और लोगों तक मेरी शायरी पहुँचे। और उसके अलावा, उससे पहले मैं ये ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी कि आप लोग टैग टीवी के से जुड़े हुए हैं और आप लोग सब मिलकर जो काम कर रहे हैं इस हवाले से, मौसीकी के हवाले से, अदब के हवाले से, सकाफत के हवाले से, हमारे कल्चर के हवाले से, वो बहुत बड़ा काम है। जैसा कि जबरान ने कहा कि मीडिया बड़ा स्ट्रांग आजकल के दौर में, सोशल नेटवर्क और आपका टीवी, और उस में आप लोग जितना काम कर रहे हैं उससे यही उम्मीद है कि ये काम, जो भी जैसा भी काम कर रहा है उसको आगे ले जाना भी बहुत बड़ा काम है, पब्लिक तक पहुंचाना, और ये काम आप लोग बखूबी कर रहे हैं, तो उम्मीद है कि ऐसे ही चलता रहेगा और जो जो जहां जहां मेहनत से काम कर रहा है वो यकीनन कामयाब होगा। अब चलते हैं थोड़ी सी गुनगुनाहट के लिए। आप तीनों ख्वातीनों हज़रात बहुत अच्छा गुनगुना लेते हैं, आवाज़ें खूबसूरत हैं। वन आफ्टर अनदर सालिया से शुरू करेंगे। सालिया, प्लीज़ आप पहले थोड़ा सा अपने खूबसूरत आवाज़ में नाज़रीन के साथ शेयर कीजिए। नैया रनूर हैं, हमारी लेजेंड हैं, उनका एक सॉन्ग है, थोड़ा सा गा देती हूँ। रूठे हो तुमको कैसे मनाऊं पिया, बोलो ना खुशबू बन के आऊं, सांसों में बस जाऊं, कैसे तुमको मनाऊं, रूठे हो तुमको कैसे मनाऊं पिया। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। इसके लिए नाज़रीन, मुकम्मल शो देखने के लिए आपको आना पड़ेगा। ऑफ कोर्स, ये इतनी खूबसूरत इंट्रो है तो आवाज़ यकीनन इस पूरा शो इससे कहीं खूबसूरत होगा। जिब्रान, प्लीज़ आप थोड़ा सा गुनगुना दीजिए। जी ज़रूर, गुनगुनाने से पहले एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, हमारे जो दो और आर्टिस्ट अभी आके गए, वो हमारे प्रोग्राम के मेन आर्टिस्ट हैं, रोहित समीना और सलाउद्दीन साहब, और हम दोनों उनके साथ दे रहे हैं, और सबसे मेन सीमा नकवी, क्योंकि ये शाम हमारी थी बड़ी शायराना शायरी बेसिकली, और इनके साथ से और वो खूबसूरत हो जाएगी। हम, मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया कि हमारे जो जो गाने हम ट्रिब्यूट कर रहे हैं उसके साथ एक एक शेर भी पेश करेंगे, अपने इनके अपने बड़े खूबसूरत शेर हैं। आलमगीर साहब हमारे बहुत बड़ा नाम और बहुत बीमार हैं, उनके लिए हम चाहेंगे सब दुआ गो हों, जो उनको सेहत याबियत हो। एक गाने की एक लाइन उनका, वो मेरे, मैं बड़ा फ़ैन हूँ उनका, एक लाइन उनके मैं सुनाता हूँ। ये शाम और तेरा नाम दोनों कितने मिलते जुलते हैं, तेरा नाम नहीं लूँगा बस तुझको शाम कहूँगा। ये जो तेरी आँखें सोचती रहती हैं, जाने किसके सपने देखती रहती हैं, मैं इन पर गीत लिखूंगा। ये शाम और तेरा नाम। बहुत खूब, बहुत खूब। आपको हमने सुना है तरन्नुम से शायरी करते हुए, तो प्लीज तरन्नुम से आज कुछ हो जाए। मैं सबसे पहले तो आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि मैं सिंगर नहीं हूँ। तरन्नुम से शायरी में ज़रूर पढ़ना एक अलहदा बात है, और इन जैसे इतने अच्छे फ़नकारों के दरमियान में मुझे गाते हुए भी शर्मिंदगी महसूस हो रही है, लेकिन आपने कहा है तो मैं गुनगुनाती हूँ, और वो भी मैडम नूर जहाँ का, लिहाजा कोई गलती हो तो आप लोग सब खामोशी से सुन के उसे बर्दाश्त कर लीजिएगा। वैसे एक सरप्राइज़ भी है। अच्छा, प्रोग्राम में वो देखिएगा।
एक टीस जिगर में उठती है, एक दर्द सा दिल में होता है। हम रातों को उठ कर सोते हैं, जब सारा आलम सोता है। हो चांदनी रातें, चांदनी रातें, चांदनी रातें, चांदनी रातें, सब जग सोए हम जागे, तारों से करे बातें चांदनी रातें, हो चांदनी रातें। वाह वाह, बहुत खूबसूरत, बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ़ लाए हमारे प्रोग्राम में, और नाज़रीन को यकीनन इंतज़ार रहेगा और प्रोग्राम यकीनन बहुत अच्छा होगा जिसमें इतने सारे खूबसूरत लोग शामिल हैं। थैंक यू। आर्टिस्ट, फनकार, माशरे का वो फ़र्द होता है जो आपके कल्चर को बनाता है। वो आर्टिस्ट, वो फनकार जो गाना गाते हैं, मौसीकी की बुनियाद रखते हैं, वो कुछ ना कुछ माशरे से लेकर के आपके सामने ला रहे होते हैं खूबसूरत अंदाज में। हमारी शायरी, हमारी गज़ल, हमारी मौसीकी हमेशा से बरेसगीर का एक बहुत अहम हिस्सा रही है। मौसीकी आगे चलती है, उसमें तब्दीलियां आती हैं, ज़माने के साथ साथ उसके रंग बदलते हैं, लेकिन जो काम हो जाता है, जो काम अपने वक्त के मुताबिक एक कंट्रीब्यूशन होता है, तारीख में एक हिस्सा बनता है, पाकिस्तानी मौसीकी, पाकिस्तानी फ़नकार तारीख का हिस्सा हैं। वो बड़े हों, छोटे हों, किसी भी दर्जे पे काम कर रहे हों, जब तक काम होता है बेहतरी की उम्मीद रहती है। फ़नकारों की इज्जत करना, फ़न की इज्जत करना और उसको सराहना जिंदा कौमों की निशानी है। अपने फ़नकारों को याद रखना, उनको ट्रिब्यूट देना खुशहाल और ज़िंदा जहनों की अलामत है। इन अल्फाज के साथ हमारा प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। नंबर 1 मल्टीकल्चरल चैनल, दिस इज़ TAG TV.